प्यार के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाने और उसके बाद उसे फंसाने की कहानी हाल ही में फिल्म द केरला स्टोरी में दिखाई गई थी। लव जिहाद का मामला दिखाने वाली ये फिल्म काफी सुर्खियों में रही। हाल ही में द केरला स्टोरी जैसा मामला झारखंड के रांची में भी देखने के लिए मिला। दरअसल बिहार में रहने वाले एक मॉडल ने रांची के ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट के मालिक पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। कहानी ऐसी है कि बिहार में रहने वाली मानवी झारखंड के रांची पहुंची। यहां एक बेहतरीन मॉडल बनने के लिए उन्होंने यश नाम के एक मॉडलिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। अपनी ट्रेनिंग के दौरान इंस्टीट्यूट के मालिक का उन पर दिल आ गया। पहले तो उसने मानवी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इसके बाद धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ाने लगा। इसके बाद इंस्टीट्यूट के मालिक ने मानवी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, लेकिन इसी बीच मानवी को उसकी असलियत का पता चल गया। दरअसल इंस्टीट्यूट के मालिक ने मानवी को अपना नाम यश बताया था, और जबकि उसका असली नाम तनवीर अख्तर है। आइए आपको सुनाते हैं पूरी कहानी मानवी की जुबानी। ये मुझ पे दबाव बना रहा है कि मैं धर्म परिवर्तन करूं और मैं इससे शादी कर लूं, जिसके लिए ये मुझे बहुत धमकियां दे रहा है, लालच दे रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जो मैंने कम्प्लेन करी तो कम्प्लेन के बाद इसने मुझे एफिडेविट भी बनवा कर दिया। इसने मुझसे वीडियो में माफी भी मांगी है, लेकिन फिर भी इसकी हरकतें बंद नहीं हुई, इसकी हरकतें और बढ़ती चली गई। ये मामला कब शुरू हुआ? 2020 में लास्ट में लॉकडाउन के बाद मैंने सर्च किया था कि बेस्ट मॉडलिंग एजेंसी, मुझे मॉडलिंग और एक्टिंग के लाइन में आगे बढ़ना था, तो मैंने सर्च किया था, तो मुझे यश मॉडल्स दिखा, तो मैंने यश मॉडल्स ज्वाइन किया और 6 जनवरी 2021 में मैं यश मॉडल्स पहुंच गई थी रांची झारखंड। वहां पे 15 दिन की ट्रेनिंग थी, लेकिन उन्होंने 15 दिन की जगह वीक में 2 दिन वो कराते थे, ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसे 15 दिन चलेगा, ऐसा पहले नहीं बताया गया था। मैं वहां पे 15 दिन के लिए गई थी, लेकिन फिर वहां मुझे बताया गया, फिर मुझे उस हिसाब से वहां पे रहना पड़ा। और मैं वहां पे उससे मिली थी तो उसने अपना नाम यश बताया था, और अब जाके 4 महीने बाद पता चला कि वो तनवीर अख्तर है। और उस बीच में होली पड़ती थी, तो होली के टाइम पे उसने मेरी कुछ फोटोज निकाल ली थी, जिसको दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल करता था वहां पे, और वो मुझे, मैं वहां पे ना पुलिस के पास जा सकती थी ना कुछ और कर सकती थी, वो उसकी जगह थी। वो कहता है कि वो पुलिस को पैसे खिला देगा, वो ये सब चीजें कर देगा, तो उसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। रांची है वो, उसका होम टाउन है, वहां के लोग उसके हैं, वो लोग उसके लिए बोलेंगे या मेरे लिए बोलेंगे। जो भी जगह मैं काम करती हूँ वहां पे वो बताता था कि ये मेरी बीवी है, ये काम नहीं करेगी, इससे कांटेक्ट मत करो, इससे दूर रहो। मेरे सोशल मीडिया पे पोस्ट पे कमेंट करता था, मेरे जो जानने वाले उनको परेशान करता था, ये इसकी हरकतें ऐसी थी। मानवी ने बताया कि पहले तो वो डरी हुई थी, लेकिन इसके बाद किसी तरीके से हिम्मत जुटाकर उन्होंने इसकी इत्तला पुलिस को दी। मानवी ने कहा कि फिल्म द केरला स्टोरी ने उन्हें मोटिवेट किया और इसके बाद उन्होंने इस बड़े कदम को उठाने का फैसला किया। जब मैंने वो मूवी देखी तो उसमें भी कुछ एंड नहीं दिखाया, उसमें भी जो लड़कियां थी वो फंसी हुई रह गई, और मुझे फिर समझ में आया कि ये जो है पूरा पूरा ट्रैप है, और जैसे इसने मुझे लालच दिया या ये मुझे ये बताना चाहता था कि ये मुझसे प्यार करता है, तो ये एक तरफा ऐसा कुछ नहीं होता। मामले की शिकायत मुंबई में वर्सोवा पुलिस स्टेशन में की गई थी, जहां से इस मामले को रांची पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए रांची के SSP किशोर कौशल ने बताया है कि मामले की जाँच जारी है।